अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं धनक जरदा, जिसके लिए हमने ले लिया है यहाँ पे 3 पाव के करीब चावल। और ये रेसिपी होगी आज मेरी अम्मी की हाथों से और इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये वो बिरयानी राइस है जो कि मैं थोड़ी देर के लिए सिर्फ इसको धो के भिगो दूँगी। जी, हमने अब चावल भिगोए थे, अब इसके लिए हमारे पास 3 पाव चावल है, तो 3 कप ही यानी कि 3 पाव शक्कर है। आपकी मर्ज़ी, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा मीठा चाहते हैं तो उसको ज़रा सा बढ़ा लें। गार्निश के लिए बादाम है, पिस्ता, किशमिश, और ये गार्निश के लिए 3 कलर के गुलाब जामुन, चमचम, कलाकंद है। 2 फूड कलर मेरे पास थे, मैंने वो लिए। थोड़ा सा इसमें केवड़ा डलेगा। आइए मैं दिखाती हूँ आपको, पानी बॉयल हो रहा है, अभी पानी रखा है मैंने, थोड़ा सा पानी में बॉयल हो जाए तो हम इसमें चावल उबालेंगे। जी, पानी में उबाल आ गया है, अब हम इसमें जो हमने चावल भिगोए थे थोड़ी देर के लिए, शायद 5 या 10 मिनट सिर्फ, क्योंकि ये सेला राइस नहीं है, ये हमारे आम बिरयानी राइस है, डाल के उबाल लेंगे। ये मेरी मम्मी की रेसिपी है, लेकिन उन्हें थोड़ी सी झिझक हो रही है, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ साथ बताती भी जाती हूँ और बनाती भी जाती हूँ, लेकिन आगे अब वो बनाएंगी। क्यों मियाँ, आप बना रही है ना? जी, अच्छा, ये चावल मैंने बॉईल कर ली हैं, अब मैं इसमें थोड़ा सा घी डालती हूँ। अब मैं इसमें थोड़े इलायची के दाने डाल दूँगी, इलायची के ये डाल दूँगी 4-5। जब ये गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी आधा गिलास, जब इलायची कड़क जाएगी तो। अब मैं इसमें थोड़ा सा आधा गिलास पानी डाल दूँगी, अब मैं इसमें चीनी डालूँगी। अब ये मैंने इसमें जितने चावल थे इतनी ही चीनी ली है, अब इस तरह से पिघल जाएगी थोड़ी सी आधी, तो मैं इसमें चावल डाल दूँगी। इसको थोड़ी देर पकाना है या ज़्यादा देर पकाना है? बस ये ज़रा सी आधी घुल जाएगी, अच्छा थोड़ी सी गल जाए, गल जाए, क्योंकि हमारे पास ये शक्कर मोटी है। तेज करना है चूल्हा? तेज, हाँ फुल है। अब मैं इसमें ये चावल डाल दूंगी, बॉयल वाले जो हमने चावल किए थे ये हमने इसमें कर देंगे। अब इसको हम कर देंगे, जब सारे मिक्स हो जाएंगे ना तो इस तरह शक्कर से बैठती नहीं है चावल। अभी इसकी आंच तेज है, हम इसका पानी थोड़ा सा खुश कर रहे हैं, फिर हम इसको दम लगा देंगे। फिर इसको दम लगाएंगे, अभी जरा इसका पानी निकलेगा शक्कर का, ये जरा तो ऐसे खुला हुआ पकाना है। जी जी, खुला हुआ बनाना है, अब ये जब पानी छोड़ देगा तो खुश कर लेंगे इसको। जब खुश हो जाएगा तो फिर हम इसमें कलर और केवड़ा डाल देंगे, फिर जो भी आपके दिल चाहे वो डाल सकते हैं। ठीक है, चले नाजरी, अभी हम देखते हैं कि कितनी देर में इसका पानी खुश्क होता है। पानी हमारा काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है, अब आप क्या करेंगी? अब मैं इसमें केवड़ा कलर डालूंगी, एक साइड को डालूंगी इधर ग्रीन वाला, अब दूसरा है मेरे पास सुर्ख रंग का, ये इस साइड को डालूंगी। अब मैं इसको चमचा नहीं चलाऊंगी काफ़ी देर तक, थोड़ी थोड़ी इसमें मेवा डाल दूंगी और फिर बाद में इसमें गार्निश के लिए रख देंगे थोड़ी सी। इसका चूल्हा हल्का करना है, अब इसका चूल्हा हम हल्का कर देंगे और दम लगा देंगे, और इसको चमचा बिल्कुल नहीं चलाना है, थोड़ी देर तक छूना नहीं है इसको, वरना ये कलर हमारा फैल जाएगा। फैल जाएगा। अब हम इसमें ढकना लगा देते हैं। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही। अब ये हमारे दम आ जाएंगे तो तैयार हो जाएंगे। ये चावल मेरे तैयार हो गए, इसको मैं ना निकालती हूँ, तो ये चूल्हा बंद कर देती हूँ। कितना खूबसूरत आया है, बहुत प्यारा रंग है, धनक, इसको चावल कहते हैं, धनक वाले चावल। चलिए, ये आप इसको डेकोरेशन करते हैं, अब हम इसको गार्निश करते हैं। अच्छा, अब इस पर मैंने पिस्ते, बादाम वगैरह है और ये किशमिश वगैरह सब चीज़ें इसको गार्निश कर, जितना मेवा है खूबसूरत भी है,
अब इसमें मैंने यह चमचा गुलाब जामुन, हमारे पास दो कलर के हमारे पास ये गुलाब जामुन मौजूद हैं, थोड़ा दबा देते हैं ऐसा ना हो कि गिर जाए। अब ये है शर्फियाँ रेड कलर की, ये हमारे पास मौजूद है कलाकंद, बहुत ही मज़ेदार अम्मी के हाथ का ज़र्दा और बहुत ही लाजवाब रेसिपी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी अम्मी के हाथ का ज़र्दा और ये रेसिपी। इंशाल्लाह जब तक मैं यहाँ हूँ तो अम्मी से और भी बहुत कुछ बनवाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह मियाँ अम्मी को सलामत रखे, ज़िंदगी दे, सेहत, और आप सब दुआ कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।